नमस्कार। इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि केंद्रीय और राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए जो वेतन आयोग केंद्र सरकार के द्वारा लाया जाता है, अब तक 7 वेतन आयोग लग चुके हैं, यानी कि 7वां वेतन आयोग 2017-18 में लागू किया गया था। उसके पश्चात ये न्यूज़ आ रही थी कि अब है वो वेतन आयोग नहीं लगाया जाएगा, बल्कि 10 वर्ष की लंबी अवधि को इसको नहीं किया जाए, बल्कि उसके स्थान पर कुछ ऐसा प्रावधान किया जाए जिससे कि प्रतिवर्ष उनके वेतन में बेसिक में परिवर्तन किया जा सके। लेकिन इस संबंध में राज्यसभा में जब माननीय सदस्य के द्वारा माननीय मंत्री महोदय से इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया, तो उनकी ओर से क्या जवाब दिया गया, उस जवाब के माध्यम से क्या केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग का लाभ मिलेगा, या फिर 8वें वेतन आयोग के स्थान पर प्रतिवर्ष उनकी बेसिक में बढ़ोतरी का प्रावधान किया गया है। इसे हम समझने का प्रयास करेंगे कि वास्तव में अब जो वेतन आयोग लगता था उसकी प्रक्रिया क्या रहेगी और किस प्रकार से वेतन आयोग के स्थान पर एक नई परिपाटी को अपनाने का प्रयास किया जा रहा है, और केंद्रीय कर्मचारी, क्योंकि केंद्र सरकार की ओर से जिस प्रकार के कदम उठाए जाएंगे उसी की तर्ज पर राज्य सरकार भी अपने कर्मचारियों को लाभ दे सकती है। तो हम बात करेंगे कि केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के लिए वेतन आयोग को लेकर क्या तैयारियां कर चुकी है, और 8वां वेतन आयोग अगर लगेगा तो कब तक लग सकता है, और इसकी प्रक्रिया क्या हो सकती है। चलिए हम समझने का प्रयास करते हैं। तो ये है भारत सरकार वित्त मंत्रालय व्यय विभाग राज्यसभा में प्रश्न पूछा गया है, लिखित प्रश्न संख्या 1807, मंगलवार 2 अगस्त 2022 को। ठीक है, केंद्र सरकार के कर्मचारियों पेंशन भोगियों के वेतन भत्तों और पेंशन की समीक्षा के संबंध में। ठीक है, ये सदस्य की ओर से पूछा गया है, और पूछा गया है कि क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे। पहला प्रश्न उन्होंने लिखित में दिया है कि क्या यह सत्य है कि सरकार केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के वेतन भत्तों और पेंशन में संशोधन के लिए 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन नहीं करने का विचार कर रही है। तो माननीय सदस्य की ओर से पूछा गया, क्या ऐसा सुनने में आ रहा है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए क्या 8वां वेतन नहीं ला रही है। इस संबंध में उनका जो उत्तर है वो इस प्रकार से है, जी नहीं। इसका मतलब है कि बिल्कुल केंद्र सरकार 8वें वेतन आयोग की सिफारिश करेगी और 8वें वेतन आयोग का गठन किया जाएगा। दूसरा प्रश्न उन्होंने पूछा है कि यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, इसके क्या कारण है। अगर केंद्र सरकार ऐसा विचार कर रही है कि हम 8वां वेतन नहीं लाएंगे तो उसका क्या कारण है, उसका स्पष्टीकरण दें, क्योंकि वो पहले ही बता चुके हैं कि बिल्कुल भी हम इस प्रकार का विचार नहीं रखते हैं कि हम 8वां वेतन नहीं लाएंगे, तो इसके संबंध में कोई प्रश्न उठता ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने तीसरा प्रश्न पूछा था कि क्या यह भी सच है कि 7वें केंद्रीय वेतन आयोग ने सिफारिश की थी कि सरकार को कर्मचारियों पेंशन भोगियों के लिए 10 साल की लंबी अवधि के बाद नया वेतन आयोग बनाने की बजाय इनके वेतन भत्तों और पेंशन की समीक्षा प्रतिवर्ष करनी चाहिए। तो इन्होंने क्या पूछा, क्या ये भी सत्य है कि 7वें वेतन आयोग के जो अध्यक्ष माननीय अध्यक्ष थे उन्होंने क्या ये सिफारिश की गई थी कि 10 वर्ष की लंबी अवधि में आने वाले वेतन आयोग की बजाय प्रतिवर्ष वेतन का पुनरीक्षण किया जाए। तो उन्होंने कहा था कि 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के अध्यक्ष ने अपनी रिपोर्ट अग्रेषित करते हुए पेरा 1.22 में यह सिफारिश की थी कि मैट्रिक्स को 10 वर्ष की लंबी अवधि की प्रतीक्षा किए बिना आवधिक रूप से पुनरीक्षित किया जाए, इसे एक्रोइड फॉर्मूला आधार पर पुनरीक्षित और संशोधित किया जा सकता है, जिसमें ऐसी उपयोगी वस्तुओं के मूल्य परिवर्तनों को विचार के लिए शामिल किया जाता है जो सामान्य व्यक्ति की जरूरतों में शामिल होती है, जिनकी शिमला स्थित श्रम ब्यूरो आवधिक रूप से समीक्षा करता है। सुझाव है कि नए वेतन आयोग की प्रतीक्षा किए बिना उस मैट्रिक्स को आवधिक रूप में संशोधन करने के लिए इसी आधार पर बनाया जाना चाहिए। तो इसका उन्होंने हाँ में समर्थन किया है कि बिल्कुल इस प्रकार की जो समीक्षा सिफारिश है वो 7वें वेतन आयोग के द्वारा की गई थी और इस पर विचार किया जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा था कि यदि उसका उत्तर आप हाँ में दे रहे हो तो 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को अभी तक लागू नहीं करने का क्या कारण है। अगर ऐसा ही है कि 10 वर्ष की लंबी अवधि की बजाय प्रतिवर्ष इसमें निर्धारण करने की समीक्षा की जाए, तो अगर ऐसा है तो आपने अभी तक इसे लागू क्यों नहीं किया, क्यों 2018 के बाद में आपने इस प्रकार का कोई वेतन आयोग में
समीक्षा नहीं की है। तो उन्होंने उत्तर दिया है कि सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के आधार पर वेतन और भत्तों के संशोधन के लिए अनुमोदन प्रदान करते समय केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा इस मुद्दे पर विचार नहीं किया गया। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा इस मुद्दे पर अभी तक विचार नहीं किया गया है कि हम प्रतिवर्ष इस प्रकार की व्यवस्था रखेंगे कि प्रतिवर्ष उनके वेतन भत्तों का पुनरीक्षण किया जाए या 10 वर्ष की लंबी अवधि के को नहीं किया जाए बल्कि प्रतिवर्ष किया जाए, इस संबंध में बिल्कुल भी नहीं किया गया। तो इसमें ये बात स्पष्ट हो जाती है कि अब 8वें वेतन आयोग के अनुसार ही, क्योंकि जिस प्रकार से 7वें वेतन आयोग को लागू किया गया था उसी की तर्ज पर 8वें वेतन आयोग के अनुसार ही केंद्रीय कर्मचारियों और संबंधित राज्य सरकार के कर्मचारियों के द्वारा उनका वेतन निर्धारित होगा। तो इस प्रश्न के माध्यम से केंद्र सरकार की द्वारा स्पष्ट किया गया है कि वेतन आयोग 8वां ही आएगा, अब 10 वर्ष के बाद इसे लागू किया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।